हाई एवरी वन दिस इज दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कम्फर्ट में तो एम सी क्यू सीरीज में आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लिबर्टी पर बेस्ड होंगे पोलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो आपका एम ए का एंट्रेंस एग्जाम हो या यू जी सी नेट एग्जामिनेशन हो इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ओके तो देखते हैं कि लिबर्टी से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so नंबर एक है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पोलिटिकल लिबर्टी तो जैसा कि आप को पता है कि लिबर्टी के कई सारी डायमेंशन होते हैं जहां पे सिविल लिबर्टी पोलिटिकल लिबर्टी इकोनॉमिक लिबर्टी सोशल लिबर्टी ऐसे बहुत सारी डायमेंशन होती हैं तो उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पर पूछा गया है कि भाई पोलिटिकल लिबर्टी को इन ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है तो पॉलिटिकल लिबर्टी सिंपल सा हो जाता है आपका कि भाई फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड एक्सरसाइज वंस राइट हमारे इंडिविजुअल्स के जो भी पॉलिटिकल राइट्स होते हैं चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेट करना हो जैसे कि वोटिंग का राइट्स हो गया इलेक्शन कंटेस्ट करना इस तरीके की चीज़ें जो हैं पोलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें तो ये आपके पोलिटिकल लिबर्टी का हिस्सा हैं ओके तो ये पोलिटिकल प्रोसेस एंड पोलिटिकल जो राइट्स हैं उसको पार्टिसिपेट करना इन्जॉय करना इससे संबंधित हो जाएगा ओके तो तो ये ध्यान रखना है नेक्स्ट है आपका आ, जो एमसीक्यू है वो भी लिबर्टी पर ही बेस्ड है कि विच फिलोसोफर इज मोस्ट क्लोजली असोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ निगेटिव लिबर्टी तो ध्यान रखिएगा कि लिबर्टी से के कंसेप्ट में से एक और ऐसी डायमेंशन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि जो लिबर्टी की दो डायमेंशन है पॉजिटिव लिबर्टी एंड निगेटिव लिबर्टी दोनों का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए दोनों से जो स्कॉलर्स बिलोंग करते हैं वो पता होना चाहिए आपको कि कौन स्कॉलर्स है पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं कौन है जो निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं एक प्रॉपर लिस्ट बना लो इसकी यहाँ पर पूछा गया है कि कौन फिलोसोफर है जो निगेटिव लिबर्टी से एसोसिएटेड है तो दिए हुए ऑप्शन में आपका ऑप्शन डी आपका बर्लिन हो जाएगा आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि एक प्रॉपर लिस्ट बना लो आप जहाँ पर आप ये लिखो कि भाई निगेटिव लिबर्टी के स्कॉलर्स कौन हैं पॉजिटिव लिबर्टी के कौन से स्कॉलर्स हैं इससे आपको हेल्प मिलेगी फॉर श्योर sure. क्वेश्चन नंबर थ्री जो लिबर्टी पे बेस्ड है कि पॉजिटिव लिबर्टी एम्फिसाइजिज़ बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी का मीनिंग क्या है ये पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉज़िटिव लिबर्टी तो सिंपल सा मीनिंग पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि भाई द एबिलिटी टू अचीव वंस पोटेंशियल एंड एक्सरसाइज सेल्फ मास्टरी मतलब हमें अपनी चॉइस बनाने का जो है जो हमारे हमारे लिए खुद बेहतर हो बेस्ट हो वो करने का मतलब हमें मौका मिले आ, स्टेट के द्वारा ऐसी सरकमस्टेंस बनाई जाएं जो हमारा फुल पोटेंशियल अचीव करने में वो हमें फैसिलिटेट करें ओके okay, यहाँ पर निगेटिव लिबर्टी में यही क्या था कि भाई अपसेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स मतलब गवर्नमेंट के द्वारा हम पर कोई या स्टेट के द्वारा हम पर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो ओके okay? वो होता है निगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट के द्वारा ऐसी कंडीशंस बनाए जाना ऐसी सरकमस्टेंस बनाए जाना जहां पर कोई भी व्यक्ति अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सके अपनी पर्सनालिटी का फुलेस्ट डेवलपमेंट कर सके तो ये हो गया पॉजिटिव लिबर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल लिबर्टी मैंने आपको बताया इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था ना पोलिटिकल लिबर्टी से संबंधित तो यहां पे एग्जाम्पल है ओके तो जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा इस तरीके के क्वेश्चन आप नहीं डील कर पाएंगे तो सिविल लिबर्टी पर यहां पर आ जाता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये सिविल लिबर्टी से आपका बिलोंग करती है ओके और पोलिटिकल प्रोसेस पोलिटिकल अफेयर में शामिल होने क्या को क्या था पॉलिटिकल लिबर्टी जो हमने इसके पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लिबर्टी इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक अफेयर्स तो ये इस तरीके की लिबर्टी इस तरीके का एग्जाम्पल किस डोमेन से बिलोंग करेगा स्वाभाविक सी बात है इकोनॉमिक लिबर्टी से ओके okay? कि भाई गवर्नमेंट का इकोनॉमिक अफेयर्स में कम से कम या लिमिटेड इंटरवेंशन हो तो ये इकोनॉमिक लिबर्टी हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच अमेंडमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोटेक्ट करता है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा ऐसे अमेंडमेंट है जिसके द्वारा फैसिलिटेट कराया गया कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट किया जाएगा इस राइट को तो ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट था नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ हार्म प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर कि जो हार्म प्रिंसिपल का कंसेप्ट है वो किस फिलोसफर के से एसोसिएटेड है तो हार्म प्रिंसिपल का कंसेप्ट आपका जे एस मिल के द्वारा किया गया जॉन स्टूअर्ट मिल के द्वारा जब ये लिबर्टी को डिफाइन करते हैं जे एस मिल तो यहां पर ये यह बताते हैं कि भाई स्टेट वहीं पर इंटरवीन कर सकता है जब कोई एक्ट या कोई डिसीजन उस इंडिविजुअल को हार्म कर रहा हो जैसे एक एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया जाता है इस केस केस में कि इन मान लीजिए एक एक पुल है है ब्रिज और वो ब्रिज टूटा हुआ है कोई इंडिविजुअल उसमें जा रहा है उस टूटे हुए ब्रिज में क्योंकि उसे नहीं पता है कि ये ब्रिज टूटा हुआ है इन केस इनकेस इंडिविजुअल इसमें जाता है कुछ इसकी लाइफ को थ्रेट है यहाँ पे खतरा है वो ब्रिज टूटा हुआ है गिर सकता है इसकी लाइफ को थ्रेट है यहाँ पर ऐसी कंडीशन में स्टेट यहां पर इंटरवीन कर सकता है तो ये है हार्म प्रिंसिपल क्योंकि ये एक्ट इस इंडिविजुअल को हार्म करने हार्म कर सकता था तो ऐसी कंडीशन में स्टेट के द्वारा इंटरफेयर किया जा सकता है एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे पे मैं आपको समझा रही हूँ कि हार्म प्रिंसिपल क्या है तो ये जे एस मिल के द्वारा दिया गया है यहाँ पर ओके नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल लिबर्टी पे कौन एक लिमिटेशन रखता है तो यहाँ पर देखो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो फ्रीडम हो गई ये लिमिटेशन तो हुई नहीं राइट टू प्राइवेसी यहाँ पर जो ये सी ऑप्शन है ना कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज के लिए अगर आपको बोल दिया जाए तो ये आपकी लिबर्टी पे एक लिमिटेशन हो गई यहाँ पे आपके पास बनाने को नहीं है आपके पास ऑप्शन नहीं है ये कंपलसरी मिलिट्री जो आपको प्रोवाइड करना है स्टेट के लिए तो ये इंडिविजुअल लिबर्टी पे एक क्या हो गई लिमिटेशन हो गई नेक्स्ट है कि विच पोलिटिकल आइडियोलॉजी इज मोस्ट लाइकली टू प्रायोरिटाइज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ओवर दी इंडिविजुअल लिबर्टी तो यहाँ पर जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को ज्यादा प्राथमिकता देता है ज़्यादा प्रायोरिटी देता है इंडिविजुअल लिबर्टी के कंपैरिजन में ये आइडियोलॉजी है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी सिंपली प्रमोट करती है इक्वालिटी को ना कि लिबर्टी को लिबर्टी जैसे जैसे कि लिबरलिज्म ये जो लिबरल आइडियोलॉजी है ये बेसिकली सपोर्ट करती है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है यहाँ पर और जो मार्क्सिज्म है ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के एकदम खिलाफ है ओके तो ये यहाँ पर मार्क्सिज्म हो जाएगा जो कहता है कि भाई इक्वालिटी ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल लिबर्टी इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी जो रिच पीपल हैं जो कैपिटलिस्ट पीपल हैं वो वर्किंग क्लास का एक्सप्लोइेशन करते हैं तो ये सिस्टम ठीक नहीं है अगर आपने मार्क्सिज्म पढ़ा होगा तो ये बेसिक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है इतना आपको ये गेस कर लोगे या ये कन्सेप्ट से आप इसे कर लोगे ओके तो कई बार होता है मैं जो अब, जो अब हम पे सॉल्व कर रहे हैं ना आपको क्या करना है कंसेप्ट के एप्लीकेशन देखना है भाई हो सकता है कि सेम लाइन आपने कहीं ना पढ़ी होगी सेम स्टेटमेंट कहीं ना पढ़ी होगी आपको आपने कंसेप्ट तो पढ़ा है ना मार्क्सिज्म का या लिबर्टी का उस कंसेप्ट को अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस में इन ऑप्शंस में और एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज के थ्रू यहाँ पर आपको क्वेश्चंस निकालने हैं तो नॉलेज एज इट इज मे बी यूज ना आए बट उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके okay? तो आई होप कि आज का ये सेशन आपने इन्जॉय किया होगा और लिबर्टी से संबंधित ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको नॉलेज भी मिला होगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं बाकी ऐसे ही एम सॉल्व करने के लिए ऐसे वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जहाँ पर आपको एम प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन वीडियोज़ मिल जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम की जो आईडी है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर